इस वीडियो में हम जानेंगे हैंड सैनिटाइजर के बारे में, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर क्या होता है, ठीक है। अब कोरोना के डर से लोग मतलब पूरी दुनिया उसको हाथों में लगा रही है, तो वो होता क्या है हैंड सैनिटाइजर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हैंड सैनिटाइजर को लगाने का सही तरीका क्या है, ठीक है, यानी उसको यूज़ करने का सही तरीका। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे ये कितने तरह तरह के होते हैं, ठीक है, यानी इसके कुछ टाइप्स। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर साबुन है हमारे पास, ठीक है, अवेलेबल है साबुन और पानी, तो क्या ज़रूरत है सैनिटाइजर की, क्या ज़रूरत है उसकी, ठीक है, अगर साबुन है हमारे पास। फिर हम बात करेंगे हु इन्वेंटेड सैनिटाइजर, यानी सैनिटाइजर को किसने इन्वेंट करा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके वहाँ पर सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, नहीं मिलता आपके वहाँ तो क्या करें, तो वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सच्चे दिल से कहो लेट्स क्वेश्चन इट। हैंड सैनिटाइजर क्या होता है, ठीक है, तो वो एक तरह का लिक्विड जेल या फिर फोम होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल जम्स को या फिर किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को मारने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए किया जाता है, मेनली हाथों पर, ठीक है। इसको हैंड एंटीसेप्टिक भी कहते हैं और हैंड रब भी कहते हैं। तो यह है हैंड सैनिटाइजर। क्या है ये? ऐसा लिक्विड जिसका इस्तेमाल किया जाता है इन्फेक्शियस एजेंट को कम करने के लिए जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस। तो यह है हैंड सैनिटाइजर। अब बात करते हैं इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका। तो वो है सबसे पहले आपको अपने हाथ साफ रखने हैं, ठीक है, यानी इस पर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले पानी से और साबुन से हाथ को अच्छे से धो लें। उसके बाद 2-3 बूंद सैनिटाइजर लगाएं, ठीक है, और उसको अच्छे से रब करें 20 से 30 सेकंड के लिए। उसके बाद अच्छे से रब करें फिंगर्स को, अच्छे से पूरे हाथ को, ठीक है, और उसके बाद उसको सूखने दें, ड्राई होने दें, और उसको पानी से ना धोएं, ठीक है। उसके बाद लगाने के बाद अपने हाथों को ना धोएं और किसी भी टॉवल से ना पोंछें, ठीक है, तो सूख जाएगा तो वो अच्छे से मतलब काम करेगा, ठीक है। तो यह है उसका सही तरीका, ठीक है, यूज़ करने का। उसको मतलब लगाने से पहले ध्यान रखना कि कोई डर्ट डर्ट ना हो आपके हैंड्स पर, और लगाने के बाद उसको धोना नहीं है हाथों को। तो यह है सही इस्तेमाल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैंड सैनिटाइजर। तो यहाँ पर दो हैं, एल्कोहल बेस्ड और एल्कोहल फ्री। तो जो एल्कोहल बेस्ड है उसमें होती है एल्कोहल 60 से 95%, और उसमें एल्कोहल का वो कंपाउंड होता है इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल और एनप्रोपेनॉल, ठीक है। एल्कोहल एबल है कि बहुत सारे जम्स को किल करने के लिए, तो इसलिए एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स बनाने के लिए। दूसरा है एल्कोहल फ्री, उसमें एल्कोहल नहीं होता, तो क्या होता है एमोनियम कंपाउंड होता है, ठीक है, मतलब वो माइक्रोब्स को कम कर सकता है। लेकिन अगर इन दोनों में से जो बढ़िया है वो है एल्कोहल बेस्ड, ठीक है, वो मतलब ज़्यादा इफेक्टिव है एल्कोहल फ्री से, ज़्यादा इफेक्टिव है एल्कोहल बेस्ड, ठीक है, तो एल्कोहल बेस्ड सही रहेगा, उसी को यूज़ करें, एल्कोहल फ्री को यूज़ ना करें। तो यह है सैनिटाइजर के कुछ टाइप्स। अब बात करते हैं हैंड सैनिटाइजर क्यों है, अगर हमारे पास साबुन और वाटर है तो क्या क्या ज़रूरत है हमें हैंड सैनिटाइजर की। अब देखो जो सोप और वाटर है उसको तो हम हर जगह नहीं ले जा सकते ना, क्योंकि जब हम घर पर ही होंगे तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं एक बार दो बार सोप और वाटर को। लेकिन जब हम कहीं बाहर हैं, स्कूल में हैं, कहीं कॉलेज में हैं, कहीं जॉब पे हैं, कहीं मतलब कहीं बाहर हैं, तो जो सैनिटाइजर है वो बहुत काम का होता है, ठीक है, वहाँ पर तो हम सोप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी सोप अवेलेबल नहीं है उस टाइम, हमारे पास सोप भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, वाटर तो होगा लेकिन सोप तो नहीं होगी, ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है हैंड सैनिटाइजर, क्योंकि
जब सोप अवेलेबल नहीं होगी तो सैनिटाइजर बहुत काम आएगा। अब बात करते हैं हु इन्वेंटेड सैनिटाइजर, यानी किसने इन्वेंट करा सैनिटाइजर को, ठीक है। तो वो थी ल्यूक हर्नांडेज, ठीक है। तो वो एक नर्स थी, उन्होंने इन्वेंट करा पहला जेल हैंड सैनिटाइजर, वो भी 1966 में, ठीक है। तो हु इन्वेंटेड सैनिटाइजर, ल्यूक हर्नांडेज। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आपके वहाँ सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है, आपके वहाँ नहीं मिलता, ठीक है, तो क्या करें। सबसे पहला ऑप्शन सोप और वाटर, ठीक है। सोप और वाटर वेरी इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, सैनिटाइजर से भी ज़्यादा। तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप घर पर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाते हो, ठीक है, तो कैसे बनाएं, तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू मेड सैनिटाइजर एट होम। तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे घर पर बनाते हैं हैंड सैनिटाइजर, ठीक है। तो यह छोटी सी वीडियो थी आपको हैंड सैनिटाइजर के बारे में बताने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करो। और अब मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हूँ, तो आप मेरे को वहाँ फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं मिलूँगा आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स क्वेश्चन इट।